उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार और संघ पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि देश में हर तरफ बेचैनी और अफरा तफरी के साथ साथ अशांति और अराजकता का माहौल है। सभी देशवासियों को हिंदू के बजाय भारतीय बनाने की नियत व नीति से ही देश का असली भला हो सकता है। नए साल की पूर्व संध्या पर मायावती को जारी किए गए बयान में मायावती ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 130 करोड़ आम जनता को सही संवैधानिक आधार पर भारतीय बनाने की बजाय हिंदू बनाने की संघ और भाजपा सरकार की संकीर्ण एवं सांप्रदायिक मानसिकता का परिणाम है। संविधान की मूल मानवतावादी भावना हर जगह नष्ट होती दिखाई दे रही है। मायावती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी और सीएए के विरोध में युवा वर्ग सड़कों पर उतरा है, इससे भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की नींद उड़ी हुई है, इसलिए इसको विफल करने की नीति के कारण भाजपा शासित राज्यों में हिंसा देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकार के दमनकारी रवैये को देखते हुए बसपा ने यूपी की तमाम हिंसक घटनाओं की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। 2019 का बीजेपी, खासकर बीजेपी व इनकी केंद्र व राज्य सरकारों की विशेषकर सांप्रदायिक व संकीर्ण सोच एवं कार्यशैली होने की वजह से ज्यादातर ये विभाजनकारी व भारतीय संविधान को कमजोर करने वाला तथा जाते जाते ये काफी हिंसात्मक वर्ष भी रहा है। आज मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि देश में अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ पार्टियों में बैठे जिम्मेवार लोगों को भी ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अपना भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश भी है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी अपनी जीवन शैली की अपनी अपनी संस्कृति व तौर तरीके हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।